पूरा देश ही इस कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है। ऐसे में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने में पुलिसकर्मी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पुलिसकर्मियों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए डीआरपी लाइन में पदस्थ महिला पुलिसकर्मियों ने मास्क बनाना शुरू कर दिया है। इस मास्क की खासियत यह है कि इसमें जेब भी है। इसमें पुलिसकर्मी हाथ साफ करने के लिए टिश्यू पेपर भी रख सकेंगे। लाइन की 10 महिला पुलिसकर्मियों को मास्क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला पुलिसकर्मी 2 शिफ्ट में काम कर रही हैं। प्रत्येक पुलिसकर्मी 1 दिन में लगभग 100 मास्क तैयार कर रही हैं। मास्क बनाते समय यदि कोई पॉइंट मिलता है तो ये साहसी फील्ड में जाने के लिए भी तैयार रहती हैं। जेब वाले मास्क बनाने का आइडिया महिला आरक्षक पुष्पा सिसोदिया का है। मूल रूप से रतलाम की रहने वाली पुष्पा के सब कभी सिलाई मशीन तक नहीं चलाई, मगर कोरोना से लड़ रहे साथी पुलिसकर्मियों के लिए उन्होंने सिलाई सीखी। लाइन के युवा कक्ष में मास्क बनाने का काम शुरू हुआ। आपको बताते चले कि मास्क बनाने में जुटी धामनोद थाने से लाइन में पदस्थ हुई आरक्षक मेवका बडोले रोमा सोलंकी, सैनिक अनीता कटारिया सिलाई तो जानती थी मगर इन्हें मास्क बनाना नहीं आता था। ऐसे में बाहरी टेलर से इन्हें मास्क बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया गया। सभी ने 1 घंटे में मास्क बनाना सीख लिया। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी पुष्पा ने पहला मास्क जेब वाला बनाया जो सभी को पसंद भी आया। फिर बाकी भी ऐसे मास्क बनाए गए। कपड़े की कटाई के लिए सैनिक मंगूबाई को रखा गया ताकि काम कम समय में पूरा हो सके। यहां आपको बता दें कि पुलिसकर्मी हाथ को सैनिटाइज तो करते हैं लेकिन टिश्यू पेपर रखने की जगह नहीं होने के कारण हाथ साफ करने के लिए उन्हें रुमाल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी को देखते हुए यह जेब वाला मास्क बनाया गया है। धार SP आदित्य प्रताप सिंह ने भी निरीक्षण किया और मास्क बनाने वाली महिला पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। रक्षित निरीक्षक रंजीत सिंह ने बताया कि महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा बनाए जाने वाले मास्क जिले के 23 स्थानों पर पुलिसकर्मियों को निशुल्क पहुंचाए जाएंगे। सभी पुलिसकर्मियों को मास्क बांटने के बाद यदि बचेंगे तो उनके परिजनों को भी मास्क वितरित किए जाएंगे। आपको बता दें कि जिले के कुल 23 स्थानों में 1500 पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो दिन रात कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। धार से संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। आप लोगों के द्वारा मास्क का निर्माण किया जा रहा है, कितने लोग आप लोग काम कर रहे हैं, कितना मास्क बनाते हैं? हम लोग 5 लोग हैं और मतलब 10 लोग हैं टोटल। मशीनें कम होने की वजह से शिफ्ट बांट दी गई है। 5 सुबह आते हैं और 5 शाम को। सुबह का टाइम है 8 से 12 और वो खाना वाना खाने चले जाते हैं। हमें 1 बजे आते हैं, 1 से 5 बजे तक बनाते हैं। कितने मास्क बना देते हैं आप एक दिन में? एक तो हम साथ में मिलकर बना रहे हैं, मतलब कोई वोट के दे रहे फॉलोअर लेस लगा रहे हैं और मतलब मिलकर टोटल 100 बना लेते हैं एक दिन में। और आप ड्यूटी भी करते हैं? आप लोगों को ड्यूटी भी करना पड़ता है, उसके साथ में काम कर रहे हैं? हाँ, ड्यूटी भी जाते हैं, इमरजेंसी आ जाए तो जाना पड़ता है ड्यूटी में। क्या कहेंगे इस परिस्थिति में, आप दोहरी मार आपको काम करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, यहाँ पर भी आप सेवाएं दे रहे हैं? सर कर लेते हैं, मतलब ड्यूटी भी कर लेते हैं और इधर भी टाइम बचे तो बना लेते हैं, क्योंकि हमको मतलब पूरे देश से देश की सुरक्षा भी करना है और कोरोना से भी लड़ना है, इसलिए इधर भी हमको मौका मिला है सुरक्षा करने के लिए, इसलिए मास्क बनाना भी जरूरी है। ये जो मास्क आप बना रहे हैं इनका वितरण कैसे होगा, कहाँ पर दिए जाएंगे? इसका वितरण पहले तो थानों पर बांटा जाएगा पूरे धार जिले में थानों पर, फिर पुलिस कर्मियों के फैमिली के लिए बनाएंगे उनको बांटे। मेरा नाम महिला आरक्षक 269 मेवका बड़ोले। पुलिस लाइन धार में सैनिटाइजर यूनिट के साथ ही हम लोगों ने मास्क बनाने की यूनिट भी स्थापित की है, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों द्वारा मास्क का निर्माण किया जा रहा है। ये मास्क हम लोग सभी पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.